एक चैन किट 20 किलोमीटर चलना चाहिए। ये नए में आवाज़ कर रहा, कट कट आवाज़ भी कर रहा और पूरा चैन ऊपर नीचे हो रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं ट्यूबलाइट टेक्नीशियन आशीष सकत्ता। बाइक रिपेयर टिप चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पल्सर बाइक के फुल डिटेल। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, ये पल्सर बाइक BS3 150 cc है दोस्तों। इसका फुल सर्विस का क्या खर्चा आता है दोस्तों, A to Z बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या दिक्कत है ये आपको बता देते हैं दोस्तों। इसका जैसे कि देख सकते हैं, ये क्लच केबल ख़राब है दोस्तों। उसके बाद पीछे का चैन किट ख़राब है। जैसे कि देखिए, न्यू चैन किट हम लेके आए हैं। इसका प्राइस जो है दोस्तों 1,393 रुपया है दोस्तों। और ये फ्रंट का डिस्क पैड है, देख सकते हैं, ये 171 रुपया प्रिंट है दोस्तों। और ये पीछे वाला ब्रेक शू है दोस्तों, 223 रुपया का दोस्तों। ये पीछे का है दोस्तों। इसका सस्पेंशन जो है दोस्तों, इसका यहाँ पे जो सस्पेंशन होता है वो भी टूटा हुआ है, तो वेल्डिंग के लिए गया है। और पीछे का ये जो शॉकर यहाँ पे होता है दोस्तों, ये भी वेल्डिंग में गया है और आगे का शॉकर का काम है दोस्तों। तो टोटल खर्चा 4,000 रुपये लमसम आया है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी लोकल में रहते हैं इधर, जैसे कि मेरा दुकान का एड्रेस है दोस्तों पैराडाइज सिनेमा हॉल गया बिहार दोस्तों, बिहार के एक ज़िला है गया दोस्तों, वहीं मेरा बाइक गैरेज। अगर आप नज़दीक में रहते हैं तो आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम एड्रेस दे देंगे। ऐसे भी एड्रेस तो बता दिए दोस्तों। और कोई भी बाइक रिलेटेड सवाल हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे दोस्तों। और दोस्तों, देख सकते हैं चैन किट किस लिए हम चेंज कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये चैन किट देख लीजिए और ये न्यू वाला देखिए दोस्तों। ये जो दाता देख रहे हैं कितना मोटा है, और ये जो है देख रहे हैं, ये उंगली में चुभ रहा है इस टाइप से दोस्तों। और आगे वाला तो पूछिए ही नहीं, फ्रंट वाला जो होता है चैन और पॉकेट देखिए इसका, देखिए दाता एक ठोप भी नहीं है। इसी के कारण से पूरा गाड़ी बाइक आवाज़ कर रहा था दोस्तों। इसे न्यू में देखिए कितना मस्त है देखिए। तो अगर आपका दोस्तों, आपका भी बाइक चल गया 10 से 15 हज़ार किलोमीटर दोस्तों, तो चैन किट चेंज करवा लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि एक जो चैन किट होता है, जैसे नया बाइक लिए तो 10,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर चलता है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे इसको मेंटेन करके रखे हैं। अगर समय समय पे इसको क्लीन करवाते रहिएगा, चैन को टाइट करवाते रहिएगा, तो चैन स्प्रोकेट ज़्यादा चलेगा दोस्तों। 20,000 की जगह 30-30,000 चलता है। कई कई कस्टमर तो हमेशा देखें कि 30-35,000-40,000 किलोमीटर तक चल जाता है। तो सब मेंटेन रखने के ऊपर है दोस्तों। और रह गया केबल के बाद दोस्तों, तो केबल देखिए, इसका केबल का भी अच्छा खासा प्राइज है। देखिए, ये ओरिजिनल केबल है क्लच का, ये 205 रुपया प्राइज है दोस्तों। ये तो थोड़ा महंगा है, मगर जब भी डालेगा तो ओरिजिनल डालिएगा। ऐसे स्प्लेंडर वगैरह में 100 रुपया में आ जाता है हीरो का, मगर इसका है प्राइज तो है, क्या करिएगा। और इसमें एयर फिल्टर वगैरह भी हम न्यू लगा रहे हैं दोस्तों। और सस्पेंशन भी आ गया है दोस्तों बिल्डिंग होकर, जैसे कि देखिए अब दिखाते हैं। यही सस्पेंशन है दोस्तों, इसी में चक्का लगता है दोस्तों, यहाँ पे ये अंदर वहाँ पे सेट होता है दोस्तों। देखिए, ये जो है ये सड़ गया था दोस्तों टोटल। ये क्या होता है कि बाइक अब नहीं धुलवाइएगा, यहाँ पे मिट्टी जमा हुआ रहता है, तो इसी के कारण से जंग लग के पूरा ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो हमेशा बेल्ट मेंटेनेंस रखिएगा, अगर आप लोकल में तो मेरे दुकान पर एक बार ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों, क्या बताएं अभी हम आपको दोस्तों, जैसे कि गाड़ी में देखें, सारा वीडियो हम बनाए आपको A to Z दिखाए हैं। ये देखिए बजाज का भी आपको डब्बा भी हम दिखाएं दोस्तों। ये बजाज का ओरिजिनल जेन्युइन पास्ट हम लाए हैं दोस्तों, देखिए जेन्युइन ओरिजिनल पास्ट लाए हैं। और आपको सारा हम वीडियो दिखा दिए, इससे पहले आप देख लिए हैं, 1,393 रुपये का। इसका जो भी नंबर वगैरह होता है सारा इसमें लिखा हुआ है, कोड वगैरह QR कोड वगैरह बजाज का ओरिजिनल लाए हैं। अब सारा हम फिट किए आपको दिखावे किए हैं। इसको देखिए, नए में ये हाल है तो पुराना में क्या हाल रहेगा, देखिए चक्का घुमा के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, नए में चैन इतना ऊपर है तो फिर पुराना में कितना चलेगा। एक चैन किट 20,000 किलोमीटर चलना चाहिए। ये नए में आवाज़ कर रहा, कट कट आवाज़ भी कर रहा और पूरा चैन ऊपर नीचे हो रहा। जैसे नया में चैन एक साथ चलता, देखिए दोस्तों ऊपर नीचे हो रहा। अब नए में यही हाल है, अब क्या चलेगा ये, अभी किसको बोले। अब क्या पैसा लगा के लेके आए, पार्टी क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, ये क्या पुराना लगा दिया इतना जल्दी, कैसे ख़राब हो गया। और आपको दोस्तों हम चैन कवर खोल के भी दिखाते हैं। अगर आपका ये बजाज में कोई आदमी है या बजाज कहती है, तो इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि बजाज वाला के पास जाए। और नहीं तो आप बजाज का एक भी सामान नहीं लगाइएगा। देख रहे हैं अभी हम सारा नया लगाएं A to Z। पीछे बैक करके भी देख सकते हैं, देखिए नए में क्या हाल है, नए में पूरा ऊपर नीचे मार रहा, अब क्या चलेगा। कस्टमर के नज़र में तो हम लोग चोर बन जाएंगे, बेवकूफ़ बन जाएंगे कि पैसा कम लिया, नकली लगा दिया, क्या लगा दिया। और सारा बजाज का ओरिजिनल लगाएं, पूरा ऊपर नीचे मार रहा। तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बजाज के सामान से दूर आप रहिए, दूसरा कंपनी का डाल लीजिए, बजाज के नहीं डालिए, कौन डालेगा। एक हाल लगाए हैं 1,393 रुपया लगाए हैं, और ये चैन का ये हाल है।
एक आध 2 महीना में चैन आवाज़ करने लगा, अभी आवाज़ कर रहा। फिर पार्टी बोलेगा, दूसरा मैकेनिक यहाँ जाएगा, बोलेगा कि चैन, ये तो चैन ख़राब है, और फिर समझेगा हमको कि अगला चोर है, या ऐसे कर दिया हमको, बुड़बक बना दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी फिर से हम पूरा चैन स्पॉकेट खोल दिए हैं। अभी कस्टमर केयर में हम फ़ोन लगाए थे तो वो बोली कि जहाँ से आप लिए हैं वहाँ जाके, वहाँ जाइए, वो रिटर्न करेगा, वहाँ जाइए। तो दुकान वगैरह का नाम बताएं तो देख सकते हैं सारा हम इसका खोल दिए हैं, डब्बा वगैरह बढ़िया से रखे थे, पूरा चैन वगैरह अब खोल लिए हैं। अब जाते हैं उस दुकान में जहाँ से हम लाए थे, वो रिटर्न करता है कि नहीं करता है। दोस्तों देख सकते हैं अभी दूसरा पीस ला के दिया है, और दूसरा न्यू लेके आए हैं, अब इसको लगा के देखते हैं दोस्तों, लास्ट में आपको हम दिखा देंगे कि कैसा है, सही हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों देखिए पूरा नया ला के दिया दूसरा, ये अभी चैन है, चैन अभी खोले नहीं है, ये देखिए चैन भी निकाल दिए, अब इसको लगाते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बाइक अपना एकदम मक्खन की तरह तैयार हो गया, एकदम चमचमाती है एकदम। तो दोस्तों बाइक अपना A to Z एकदम तैयार हो गया मक्खन की तरह दोस्तों। तो देखिए अब कितना मस्त लग रहा, वो सामान नया स्प्रोकेट हमको दिया तो वो लगाएं, अब एकदम सही चल रहा था। दोस्तों जब भी आप सामान लीजिएगा तो हम तो यही कहेंगे बजाज का सामान नहीं लीजिएगा, क्या देख रहे हैं लिए ऐसा हो गया। वो दूसरा पीस दिया पता ना, वो हमको नकली दे दिया था कि क्या दे दिया था, और बजाज कंपनी में पता भी नहीं चलता। हालांकि हीरो कंपनी में तो हम लोग पहचान लेते हैं कि ये कॉपी है कि क्या है, अब बजाज में पता नहीं चलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत दोस्तों।